यमराज के बारे में सुना है आपने, मिले तो नहीं होगी वरना ये वीडियो कहाँ से देखते। अब आत्मा तो यमराज ले जाते हैं लेकिन ये शरीर उसके साथ ये दुनिया क्या क्या करती है जानते हो? नहीं जानते, टेंशन नॉट। गुड बाय, फिल्म के नाम पे मत जाइए, जितना आसान इसका टाइटल है काम बिल्कुल उल्टा। सबसे मुश्किल टॉपिक चुना गया है, मौत डेथ। जी हाँ, कॉमेडी थ्रिल सस्पेंस ये नॉर्मल चीजें हैं लेकिन किसी की मौत पे फिल्म बनाना एकदम यूनिक आइडिया, डिफरेंट एंड ओरिजिनल, वो भी बॉलीवुड से। वाओ, कहानी शुरू होती है गायत्री जी के दी एंड से। मैडम अब जा चुकी है लेकिन पीछे छोड़ गई है एक मजेदार परिवार। फिलहाल मिशन एकदम सिंपल है, गायत्री जी को फाइनल विदाई देनी है। पापा के हिसाब से रीति रिवाज जरूरी है तो छोटी बेटी साइंस में यकीन रखती है, मम्मी को ये सब पसंद नहीं आएगा, इनकी बस यही जिद है। फिर बाप बेटी के बीच में सुलह कौन कराएगा? अरे इस वर्ल्ड वॉर 3 का सोल्यूशन क्या है? जवाब खुद भगवान देने आते हैं। जी हाँ, इस कहानी में भगवान के दूत भी मौजूद हैं। दो चीजें जिसके लिए इंसान एक दूसरे से लड़ता है, साइंस वर्सेस फेथ। उन दोनों का आपस में कितना गहरा रिश्ता है ये मिस्टर दूत समझाएंगे उनकी अपनी अलग स्टाइल में। सवाल सिंपल है, मौत के लिए जिंदगी बनी है या फिर जिंदगी के लिए मौत? अरे भाई, कहीं आप भी इस गोल चक्कर में तो नहीं फंस गए? देखो बॉस गुड बाय एक फील गुड फिल्म है, कुछ एक्शन जैक्सन या फिर रोमांस में चांस का मौका नहीं मिलेगा इसके अंदर। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है जिसके साथ अलग अलग ऑडियंस अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेगी, कुछ को बहुत अच्छी लगेगी तो किसी को टाइम वेस्ट। हमेशा हम लोग फिल्म को IQ से जज करते हैं, दिमाग का सेटिस्फेक्शन। इस फिल्म का लेना देना सिर्फ EQ से है, इमोशनल क्वेश्चन, आपकी फीलिंग्स, जिनको इस फिल्म के मेकर्स ने टारगेट किया है। सब्जेक्ट तो है ही काफी यूनिक लेकिन उसको दिखाने का तरीका और ज्यादा मस्त है, जबकि वो सबसे मुश्किल चैलेंज था। बॉस आप खुद सोचो, किसी की मौत के अराउंड ट्रेजेडी नहीं कॉमेडी ढूंढ के निकालना ये काम बिल्कुल आसान नहीं है, एक छोटी सी गलती और फिल्म बर्बाद हो जाएगी। वैसे अभी तक मेरी बातें सुनकर और अमिताभ सर को इस फिल्म के पोस्टर पे देखकर आपके दिमाग में पीकू का नाम ऑलरेडी एक बार घूम चुका होगा, है ना? नहीं जी, ये फिल्म उससे काफी अलग है, वो एक जर्नी फिल्म है, मंजिल जरूरी नहीं होती, छोटे लंबे रास्तों में खुशियां छुपी होती हैं। यहाँ गुड बाय का मैसेज है, जिंदगी इक्वल्स टू कहानियां, इंसान चला जाएगा सिर्फ उसकी कहानियां बचेंगी, और आखिरी कहानी की एंडिंग वो खुद नहीं उसकी फैमिली लिखेगी। क्या लिखोगे कैसे लिखोगे वो फैसला आपका। गुड बाय आपका टेस्ट लेगी इमोशंस में, ना चाहते हुए भी कहीं कहीं पे हंसी निकल जाएगी, सिचुएशंस में कॉमेडी को छुपाया गया है। तो फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी द जीनियस, इन्होंने इस बार जिम्मेदारी ली है आपको सेंटी करने की। सीन्स के बीच में डाले गए टोन्स हो या फिर खुद महाकाल के साथ जुड़े हुए गानों के लिरिक्स, सब कुछ साथ में मिलकर आपकी आंखों को गीला कर सकता है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? सोचो एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप सिर्फ एक लाइन लिखकर वापस आओगे तो कितने नंबर मिलेंगे? वैसे इस फिल्म के अंदर 10-15 टॉपिक को हाईलाइट किया गया लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जिस वजह से कंटेंट एज टोटल कन्विंस और सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ नीना गुप्ता की तारीफ करने से। मतलब आप यकीन करोगे, जिस फिल्म के अंदर यूथ की नेशनल क्रश कही जाने वाली रश्मिका मौजूद हो, उनको भी अगर नीना गुप्ता अपनी शैडो के पीछे छुपने को मजबूर कर दे, इसको बोलते हैं कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस। स्पेशली अमिताभ सर के साथ नीना मैम की केमिस्ट्री इज फायर। ये सो कॉल्ड परफेक्ट बॉलीवुड कपल्स में वो चीज आपको फील नहीं होगी जो इस जोड़ी ने सिर्फ कुछ सीन्स में मैजिक क्रिएट कर दिया। इन शॉर्ट, काफी लंबे टाइम बाद बॉलीवुड से एक ऐसी फिल्म निकली है जिसको विद फैमिली पूरे परिवार के साथ आप एंजॉय करिए थिएटर्स में जाके।